अगर आप मोरेटोरियम नहीं दे सकते तो पूरे लॉकडाउन आपका एक रुपया भी ईएमआई पेमेंट नहीं किया जाएगा। अगर मोरेटोरियम नहीं तो पूरा लोन माफ़। क्या है पूरा मामला, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। अभी आपने हाल ही में देखा अगर जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन है, ओला उबर स्विगी जो आपके ऑर्डर्स पे आते हैं, आपको डिलीवरी देते हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को आरबीआई को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने मोरेटोरियम की मांग की थी। फिर कल की बात करो तो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी प्रधानमंत्री को आरबीआई को सभी को पत्र लिख के बताया कि अभी जो देश के हालात हैं उसमें ये संभव नहीं हो पाता कि अपने लोन ईएमआई की पेमेंट किया जा सके, तो जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक उन्हें मोरेटोरियम प्रोवाइड किया जाए, कम से कम अगस्त तक तो मोरेटोरियम ज़रूर दिया जाए। इसी में एक और नाम जुड़ गया है, स्कूल एसोसिएशन वालों का। स्कूल एसोसिएशन वालों का कहना है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है और उनको 70% फीस रिसीव करने की सुविधा दी गई है, पर देश के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाया नहीं जा सकता। बहुत सारे रूरल एरियाज़ में होंगे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में होंगे जहाँ पे नेट की सुविधा नहीं है और भी बहुत सारे परेशानी है जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते और उनके पास कोई इनकम का जरिया नहीं है। अगर हम कमाएंगे नहीं तो जो उन्होंने लोन लिया है आप उसकी मांग तो कर रहे हो, आप यहाँ पे किसी को कमाने नहीं दे रहे हो और ऊपर से आप लोन की मांग कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ सेंट्रल के अंदर ही आता है। सेंट्रल ने आदेश दिया था लॉकडाउन का, तो सेंट्रल भी रिकवरी एजेंट और बैंक और एनबीएफसी कंपनी को आदेश दे कि अपने लोन ईएमआई की पेमेंट को अभी कुछ दिनों तक स्थगित कर दे। ये कुछ दिन कब तक बोला गया है, जब तक लॉकडाउन का असर कम नहीं हो जाता, जब तक पैंडमिक के कारण जो परेशानी आ रही है वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मोरेटोरियम उनको देना पड़ेगा। इसमें हो क्या रहा है कि लोग नहीं कमा रहे, लोगों के साथ परेशानी है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे सभी चीज़ों को रोक दिया है, आप कमा नहीं सकते, आपके पास जो भी धंधा व्यापार है सब कुछ स्थगित हो गया है। पर उस धंधा व्यापार को करने के लिए जो हमने लोन लिया है उसकी ईएमआई को अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना आरबीआई पे ना किसी पे किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं दिया है। अभी तक लोन रिकवरी एजेंट आपके पास आते हैं और लोन ईएमआई की किस्तें मांगते हैं और उनका क्या व्यवहार है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कहा है अगर आप मोरेटोरियम नहीं दे सकते तो हमारे लोन को राइट ऑफ में डाल दो। आपको पता ही है कि राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ में जाने का मतलब है कि आपका ऑलमोस्ट लोन माफ़ हो गया, उसके बाद जो हो जाता है सिविल का जो चार्जेज है अब वो बर्दाश्त कर लेंगे, पर अभी वो कंडीशन में नहीं है कि अपने लोन ईएमआई की पेमेंट ना करें। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, अगर आप भी अपने लोन ईएमआई की अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप भी अपने लोन को राइट ऑफ में जाने दो, अपने लोन ईएमआई की पेमेंट मत करो, क्योंकि यहाँ पे कोई जब सुविधा नहीं मिलेगा तो अंत में क्या करोगे आप, अंत में तो पैसे नहीं दे पाओगे। जब आपके पास पैसे नहीं है तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी ऐसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी सीधे तौर पे मांगा जा रहा है मोरेटोरियम, तो यहाँ पे बैंक एनबीएफसी कंपनी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लेके आ रही है। जब लोग अपना पैसा देना एकदम बंद कर देंगे तो बैंक के पास मजबूरी होगी, अब बैंक अपने कस्टमर के घर घर जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो जो स्कूल एसोसिएशन वालों ने किया वो आपको भी करने की ज़रूरत है। अगर आपको मोरेटोरियम नहीं मिलता, आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन रखे जाते हैं, आप अपने लोन को राइट ऑफ में जाने दो। राइट ऑफ का मतलब होता ही है लोन माफ़। कहने का मतलब है अगर मोरेटोरियम आपने नहीं दिया तो समझ लीजिए कि आपका पूरा लोन माफ़। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो बढ़िया सा लाइक कर देंगे। मैं इसी तरह की और वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।